माय चैनल, होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, स्पेशली फॉर विंटर्स। मतलब ये वाले जो विंटर्स चल रहे हैं, आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ही गंदी वाली ठंड पड़ रही है। और इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हमारी ड्राई स्किन वालों को। जिसकी भी ड्राई स्किन है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहा है, क्योंकि ड्राई स्किन की आप सभी को प्रॉब्लम्स पता है क्या क्या होती हैं। एकदम खिंची खिंची सी स्किन हो जाती है, डल ड्राई हो जाती है, एकदम ब्लैक ब्लैक पड़ने लगती है स्किन। कभी कभी तो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जो फटने लगती है हमारी स्किन। यहाँ तक तो ओठों से भाई खून तक निकलने लगता है अगर ओठ हमारे फटने लगता है तो। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ड्राई स्किन वालों को। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। क्योंकि मेरी स्किन भी एकदम डल ड्राई है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है मेरी। मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसके बाद भी मुझे पिंपल भर भर के आते हैं मेरे फेस पे। क्योंकि या तो ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, या तो ड्राई स्किन वालों को आते हैं। और मेरी जो एकदम ड्राई स्किन है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स की प्रॉब्लम है। एज यू कैन सी एट दिस टाइम कितने ज़्यादा ब्रेकआउट्स हो रहे हैं मेरे फेस पे। अलग ही आपको दिख रहा होगा, ये एक्ने मार्क्स हैं जो हो गए, एंड ये नया पिंपल अभी आ गया है, नया ब्रेकआउट्स हो गया, ये हो गया, पता नहीं इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं मेरे फेस पे। लेकिन खैर, अब जो भी है प्रॉब्लम हो रही है, सभी को हो रही है, तो अब हमको उसको फेस तो करना पड़ेगा। तो मैं जो जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में, मैं डेली बेसिस पे जो यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो आई होप आप सभी के लिए वीडियो यूज़फुल रहने वाली हो। और उससे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप लोग भी बस को ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको फुल रिकमेंड करूंगी, क्योंकि इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है ड्राई स्किन वालों को। स्पेशली फॉर ड्राई स्किन वालों को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने वाले इस वाली वीडियो से। मतलब इसमें जो जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी उनसे, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना अगर आपकी स्किन पे भी मेरे जैसी प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे हो रही है एट दिस टाइम। क्योंकि बहुत स्टार्टिंग की वीडियो और एंड तक वीडियो में बने रहना। एक एक स्टेप मैं बताऊँगी कि मैं क्या क्या फॉलो करती हूँ, यहाँ तक कि फेस वॉश से लेके सोते सोते, मतलब नाइट टाइम ही है, लेकिन पूरे 5 से 6 स्टेप जो होते हैं मेन, जो करने ही चाहिए सबको फॉलो, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी मामा अर्थ के टी ट्री फेस वॉश के साथ। मैं यहाँ पे टी ट्री फेस वॉश इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये हमारी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। टी ट्री एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है, आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लीजिए, बट मेक श्योर दैट मॉर्निंग हो या फिर नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन हो, आप अपने फेस को एकदम क्लीन करना, उसके बाद ही स्किन केयर करना स्टार्ट करना। तो यहाँ पर मेरा फेस वॉश हो चुका है, अब मैं यहाँ पर स्किन केयर स्टार्ट करती हूँ अपनी। मैं यहाँ पर टोनिंग करूँगी। सबसे पहला स्टेप होता है टोनिंग, जो कि कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, हमको डेली ये स्टेप फॉलो करना चाहिए। क्योंकि टोनर अप्लाई करने से हमारे ओपन पोर्स श्रिंक हो जाते हैं, हमारे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है डेली यूज़ पे। नेक्स्ट, वो जैसे ही अब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी स्किन पे, अब हम यहाँ पे फेस सीरम यूज़ करेंगे। फेस सीरम मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी फेस सीरम यूज़ कर सकते हैं अपने फेस पे, जो आपके पास हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट, अब हम अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। लिप्स को मॉइस्चराइज़ करना बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, इसको भी बिल्कुल आप स्किप मत किया करो। मैं यहाँ पे बायोटिक की बायोप्लम्बेरी लिप बाम यूज़ करूँगी अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ करने के लिए। नेक्स्ट, अब मैंने आपको जैसे कि बताया, मुझे एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है एट दिस टाइम, क्योंकि बहुत ही गंदी वाली ठंड पड़ रही है, स्किन बहुत ज़्यादा डल ड्राई हो रही है। तो मैं यहाँ पे ऑयल यूज़ करूँगी, एसेंशियल ऑयल। मैं यहाँ पे एसेंशियल ऑयल भी टी ट्री का यूज़ कर रही हूँ, टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी एक्ने पिंपल प्रॉब्लम्स को लड़ने में बहुत ही हेल्प करेगा। नेक्स्ट, अब मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी बोरोप्लस के साथ। बोरोप्लस सभी के पास इजीली अवेलेबल होता है, सबके घर पे होता है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बोरोप्लस यूज़ करना, क्योंकि ये एकदम थिक क्रीम होती है, और ड्राई स्किन वालों के लिए थिक क्रीम ही बहुत ही ज़रूरी होती है। अब हम अपने लास्ट स्टेप है जिसको फॉलो करेंगे, अपनी अंडर आई को मॉइस्चराइज़ करना। मैं यहाँ पर मामा अर्थ की अंडर आई क्रीम यूज़ करूँगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, कभी आप स्किप मत किया करो। तो यहाँ पर मेरी स्किन केयर कम्प्लीट हो